वेलकम टू योर ऑन क्लासेस। तो चलिए आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है आपका सोम का, जो कि एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से उससे ज़्यादा, मतलब आप देख लीजिएगा उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, हर एग्जाम में उससे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शेयर फोर्स किस केस में लेनियर बनता है और किस केस में आपका बनता है आपका जीरो डिग्री, पैराबोलिक कब बनता है, क्यूबिक पैराबोलिक कब बनता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ पॉइंट लोड के केस में क्या होगा। तो पॉइंट लोड के केस में होगा तो मेरा शेयर फोर्स बनेगा, वो क्या बनेगा, वो शेयर फोर्स जो बनेगा वो मेरा रेक्टेंगल बनेगा, और जो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो क्या बनेगा, वो बनेगा ट्रायंगल। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरो डिग्री कर्व, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है इन केस ऑफ UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में क्या होगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में होगा जो शेयर फोर्स डायग्राम जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो क्या होगा, वो ट्रायंगल बनेगा, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा पैराबोलिक बनेगा, वो क्या बनेगा पैराबोलिक बनेगा। तो चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं इन केस ऑफ UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा। तो ये शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा आपका पैराबोलिक बनेगा, जिसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कर्व बनेगा, और इसका जो फिगर होगा इस टाइप में होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कर्व, और कर्व बोलेंगे, और जो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो क्या बनेगा आपका, क्यूबिक पैराबोलिक बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कर्व बोलते हैं, और ये जो फिगर बनेगा वो कुछ सेम टाइप का होगा बट वहाँ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कर्व बोलेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, कि जब मेरा एन डिग्री लोडिंग कर्व होगा उस केस में मेरा शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या बनेगा। जब मेरा एन डिग्री लोडिंग कर्व रहेगा तो उस केस में जो मेरा शेयर फोर्स डायग्राम रहेगा वो क्या बनेगा, N+1 डिग्री बनेगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उस केस में बनेगा मेरा N+2 डिग्री। फिर उसके बाद मेरा जो बेंडिंग मोमेंट, जो मेरा स्लोप आएगा वो क्या बनेगा, जो स्लोप आएगा वो बनेगा आपका N+3 डिग्री, और जो मेरा डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या बनेगा, N+4 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट केस में देखते हैं किस केस नंबर फिफ्थ में क्या है। तो केस नंबर फिफ्थ में है कि जब हम कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगाएंगे तो उस समय जो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो सडन चेंज करेगा। तो उस फिफ्थ केस में क्या होगा कि जब हम कंसंट्रेटेड लोड अप्लाई करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन करेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज इफ साइन सडनली।
सिक्स केस देखते हैं। सिक्स केस में क्या होता है, सिक्स केस में होता है कि जब मेरा सिक्स केस हो गया कि प्योर 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 बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, प्योर बोल सकते हैं कि प्योर बेंडिंग मोमेंट का केस कब होगा, प्योर बेंडिंग मोमेंट का केस, बेंडिंग मोमेंट का केस कब होगा। तो प्योर बेंडिंग मोमेंट का केस होगा जब आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसके साथ साथ एक्सियल फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, और जो शियर फोर्स होगा वो भी क्या होना चाहिए, वो भी जीरो होगा। तब क्या होगा, प्योर प्योर कंडीशन फॉलो करेगा, प्योर कंडीशन प्योर। तो लाइक से सब्सक्राइब किया, तब तक के लिए जय हिंद।